एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिदा शेख और मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ। और अभी ना 4:15 हो रहे हैं और आज रात में सहरी में इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो आज रोज़े की तैयारी हो रही है, तो मैंने कबाब चढ़ाने, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो कबाब मैंने कहा चढ़ा लेती हूँ चिकन के। तो शामी कबाब अभी बनाए थे मैंने, एक दिन पहले उसको मैं शूट नहीं कर सकती। शामी कबाब बनाए थे जब, तो उसको मैं शूट नहीं कर सकी। और अब मैं चिकन के कटलेट्स बना रही हूँ, उसमें थोड़ी सी दाल डालूँगी, उसको भी थोड़ा सा शामी कबाब टाइप बनाना चाह रही हूँ मैं, तो आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी। उसके अलावा अभी हमने लंच का टाइम था, लंच किया है, तो थोड़े से बर्तन है वो भी धोने हैं, और साथ में मैं कबाब चढ़ा दूँगी तो थोड़ी देर में वो बन जाएंगे। फिर उसकी टिक्कियाँ बना के तो फिर वो रखूँगी। कल का जो मेरा ब्लॉग है वो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन मैं एडिट भी नहीं कर सकी, कुछ घर में काम वाम चल रहा था उसकी वजह से मैंने एडिट नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला। और कुछ मेरी स्टिचिंग भी चल रही है, सिलाई भी की है मैंने, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या स्टिच किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अभी मेरी स्टिचिंग भी साथ साथ चल रही, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी तो किचन में चलते हैं सबसे पहले, तो बर्तन धो के मैं कबाब चढ़ा दूँ ताकि इसके बाद फिर बाकी की रूटीन हमारी चलती रहे।
Yeah.
मैं आप लोगों को थोड़े से अपने कपड़े भी दिखा देती हूँ जो मैंने स्टिचिंग की है। जब मुझे थोड़ा सा मैंने तबीयत मेरी बहाल हुई तो मैंने स्टिचिंग मैंने सोचा कर लूँ मैं, क्योंकि फिर रमज़ान में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ये इसके वाइट एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, तो ये रेप्लिका है इसके बीजी नहीं, ये रेप्लिका है उसका, मारिया बी का कोई ड्रेस था उसका रेप्लिका है। मैं रेप्लिका पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने कुछ बिजनेस के लिए मैंने बाय किए थे, लेकिन वो मेरा बिजनेस जो है वो मैंने उसको चलाया नहीं, मतलब इतनी मेहनत मैंने उसमें की नहीं है, और वो फिर कपड़े जो पड़े हुए थे वो मैंने उसको स्टिच कर लिया है। तो ये तकरीबन कोई 6 साल पहले की बात है, मैंने सोचा था कि मैं इसका बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ ना कपड़ों का, लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने खुर्रम की वजह से बाय कर लिए थे ड्रेसेस काफ़ी सारे। तो वो 6 साल जो है वो मैं कोशिश नहीं की है मैंने इसको चलाने की, मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी। तो और वैसे भी एक्सपीरियंस होने के अलावा जब आपके रिलेटिव जो है वो एक्सपीरियंस नहीं था मुझे इसमें बिल्कुल भी इस बिज़नेस में, और उसके अलावा मुझे इसमें एक्सपीरियंस ना होने के साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस वक्त डिस्टर्बेंस थी फैमिली की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से, तो ध्यान मेरा इस तरफ बिल्कुल लगा ही नहीं ना, तो मैंने इस पर बिल्कुल मेहनत नहीं की। अब ये जो कपड़े रखे हुए थे उसको मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो ये है एम्ब्रॉयडरी है इसकी नेक पे, और इसके साथ ये दुपट्टा है रेप्लिका है, इस वजह से थोड़े कलर्स जो है वो अजीब से हैं, और ये है इसका नेट का दुपट्टा, ये नेट भी नहीं है, कुछ अजीब सा कपड़ा है, और ये इसके साथ का दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडर्ड है पूरा, है अच्छा लेकिन। और ये जो है ये मनाहिल का ड्रेस है, तो इसके साथ मैं वाइट ट्राउज़र लेके आऊँगी, वाइट ट्राउज़र, क्योंकि इसके साथ ये ट्राउज़र था बिकॉज ऑफ रेप्लिका है ये, तो रेप्लिका की वजह से जो है इसका ये वाला ट्राउज़र था, जिसका ट्राउज़र का कपड़ा जो था वो मैंने फिर उसका मनाहिल का ड्रेस बना दिया, क्योंकि मुझे इसके साथ ये वाला ट्राउज़र का प्रिंट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके साथ वाइट होना चाहिए, तो मैं उसके साथ वाइट ट्राउज़र लेके आऊँगी, उसको स्टिच कर लूँगी। और ये जो है मैंने मनाहिल का ड्रेस बना दिया है, पूरा ड्रेस उसका बन गया था उस कपड़े में जितना ट्राउज़र का कपड़ा साथ में दिया जाता है, 2.5 या 3 गज़ इस तरह करके जो था। और ये मनाहिल की एक शर्ट है, तो कुछ कपड़ा बचा था तो मैंने साइडों में थोड़ी सी कलियाँ डाल दी हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ना फ्रॉक टाइप की लुक आ गई है। तो इस तरह का बना दिया है मैंने इसका, और अभी मेरे कपड़े और भी मैंने स्टिच करने हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, यही मौसम होता है कि बस हम फटाफट कपड़े जो है वो हमारे पास हों और हम उसको पहनना शुरू कर दें। मैं वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो लेट हो गई हूँ मैं कपड़े स्टिच करने में, वरना मुझे बहुत जल्दी करने थे। एक ये मेरा ड्रेस था, इसको मैंने स्टिच किया है, ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ये इसका दुपट्टा है, ये मैंने ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर भी किया था लास्ट टाइम का। तो ये मेरे सारे वही ड्रेस हैं जो मेरे पास रखे हुए थे, उनको मैंने स्टिच कर लिया है अब, तो स्टिच करके कुछ ऐसी लुक आ रही है इसकी। इसकी ये स्लीव्स हैं और ये बैक साइड से इसकी ऐसी लुक आई है। जितने भी मेरे पास कपड़े रखे हुए थे मैंने सोचा मैं उनको स्टिच करूँ, क्योंकि गर्मियों में इस तरह के बहुत सारे मेरे पास लॉन के कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं उनको स्टिच कर लूँ इस बार, कि फिर वो रखे कपड़ा ऐसा ना हो कि गल जाए, ख़राब हो जाए, तो मैंने उनको स्टिच कर लिया है ताकि वो यूज़ में आ जाएं सारे। हालांकि मुझे कोई इतने ख़ास उनका कुछ डिज़ाइनिंग का इशू, कुछ इन चीज़ों का इशू था, जिसकी वजह से मैंने उसको ऐसे स्टिच कर लिया है, कर नहीं रही थी पहले लेकिन फिर कर लिया। और एक ये मनाहिल का ड्रेस मैंने इसको भी किया है, तो ये है, ये ए लाइन थोड़ी सी स्टाइल का मैंने इसका ये स्टिच किया है, ये ए लाइन स्टाइल में है,
को मनाहिल के, और अपने मैंने घर में बहुत सारे स्टिच किए हैं क्योंकि जो छोटे छोटे पीसेस थे, कपड़े थे रखे हुए, वो मैंने उसका किया। ठीक है, तो उसके अलावा एक ये है मनाहिल का ट्राउज़र, ट्राउज़र का कपड़ा है इसके साथ, और ये है इसके साथ की शर्ट। इसमें थोड़ा सा कुछ स्टिच करना है मुझे अभी, इसको बटन टाँकने हैं इसके साथ ना, यहाँ पे कुछ इशू है, यहाँ पे कुछ मुझे सिंपल सा लग रहा है। ये मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ था, आई डोंट नो मैंने कहाँ से लिया था, बहुत अरसे से रखा हुआ था, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा मैंने अपना इसका कुछ बनाया था कि नहीं बनाया था, लेकिन ये मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था काफ़ी सारा। बस मुझे ये याद है कि मैंने इसको कहाँ से बाय किया था। तो अम्मी के घर के पास में ना एक शॉप थी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े उनके पास यूज़ वो वाले जो अफेक्टेड होते हैं ना कपड़े, कपड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि थान पूरा बना है उसमें कुछ किसी पे धब्बा लग जाता है, ख़राब हो जाता है थान पूरा, तो उस तरह के जो है उनके पास काफ़ी सारे ना थान आते थे, जिसमें से कपड़ों के थान आते थे जिसमें से कुछ अफेक्टेड होता था कपड़ा, उसकी वजह से वो थोड़ा सा सस्ता दे देते थे। तो वहाँ पे वो शॉप थी, मुझे बस ये याद है कि मैंने इसको कहाँ से बाय किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने इसका अपना कुछ बनाया भी था कि नहीं बनाया था। एनीवेज तो ये कपड़ा काफ़ी सारा रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, आई थिंक इसका कुछ जोड़ तोड़ करके एक से दो मनाहिल की शर्ट्स बन सकती हैं, लेकिन मैंने इसकी ये स्टिच की है, इसके साथ ये वाइट ट्राउज़र बना दिया है मैंने। और एक ये मेरे पास रखा हुआ था, ये थोड़ी सी मनाहिल को छोटी शर्ट है, ये थोड़ी सी जैसे एक इंच का फ़र्क होता है ना शर्ट के स्टाइल में है ये, तो शर्ट के स्टाइल में इतना ही कपड़ा था इसका, मुझे था कि पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ मैंने ये बेल वेल लगा के इसको पूरा कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक इंच का मुझे फ़र्क लग रहा है, लेकिन आई थिंक घर में तो पहना ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो एक ये इसका ड्रेस है, ये जो रखे हुए थे ना मैंने सोचा कि मैं इनको यूज़ कर लूँ वरना सब गल जाएंगे, कपड़े इधर उधर हो जाएंगे। एक ये इसका ड्रेस बनाया है मैंने, ये भी कुछ कलियाँ थी, कलियों के साथ मैंने इसका ये स्टाइल बना दिया है इस तरह करके। ठीक है, और एक बेल रखी हुई थी मेरे पास, फिर बेल से मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है, ये भी वाइट ट्राउज़र के साथ बहुत अच्छी लगेगी, ट्रेन आ चुकी है। और ये है एक और वाइट ट्राउज़र इसके साथ का। ये सब अभी तक मनाहिल के भी मैं बाहर से कोई भी नहीं लाई हूँ, सब मैंने घर में से, कुछ मेरे में से बच जाते हैं, कुछ पहले से रखे हुए थे, तो वो सारे ड्रेसेस जो हैं उस तरीके से मैंने बनाए हैं। ये मेरा एक ड्रेस था उसका कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने इसका भी ये शर्ट, एक छोटी सी शर्ट सी, इस पर बेल लगा दिए, बेल से थोड़ी डिज़ाइनिंग सी हो गई है, ऐसे पीछे भी, बैक साइड पर, फ्रंट साइड पर ऐसे लगाया है। तो ये इसकी एक शर्ट ये बन गई है, क्योंकि गर्मियों के कपड़े, लॉन टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, वो आपके सिर्फ एक ही सीज़न में चलते हैं, अजीब से उनके कलर उड़ जाते हैं, घर में पहन पहन के आप दोबारा उनको वेयर नहीं कर सकते, इस तरह के हो जाते हैं। इसके साथ है पिंक कलर का ट्राउज़र मनाहिल का, मनाई हटो आगे से ख़त्म होने वाला है फिर आना। ये अम्मी ने दिया था मुझे, इसको भी तकरीबन 5 साल हो गए होंगे दिए हुए अम्मी को, तो ये जो है इसको भी 5 साल हो गए थे, लेकिन मैंने इसको स्टिच अप किया है, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो उस वक्त सीने नहीं होते ना, उसकी सिलाई नहीं करनी होती, आप उसको उठा के कहीं रखते हैं, वो ऐसे रखे जाते हैं कि गायब हो जाते हैं। तो ये रखा हुआ था, मुझे उस दिन मिला, मेरी अलमारी के अंदर ही था और मुझे मिल नहीं रहा था, मैं ढूंढ रही थी, मुझे याद आ रहा था कि ऐसे एक ड्रेस था तो वो कहाँ चला गया। तो एनीवेज तो जब मुझे ये मिला तो अभी सही टाइम पे मिल गया, मुझे ये मिला था तकरीबन 2 महीने पहले, तो उसको मैंने सामने रख लिया था कि मैं इसको, अभी गर्मी आने वाली है तो मैं इसको स्टिच कर लूँगी,
तो इसके इसके भी नेक पे एम्ब्रॉयडरी है, 4-piece ड्रेस था ये, क्योंकि इसकी स्लीव्स अलग से लगाई हुई हैं और इसकी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो इसका नेक का इतना ही एम्ब्रॉयडरी थी, तो यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी थी। मैंने इसका फिर नेक लाइन जो है वो मैंने ऐसे स्क्वायर टाइप बनाई है ताकि इसकी ये जो एम्ब्रॉयडरी कट ना जाए। तो इसको मैंने लेकिन पहन के देखा है तो इसके ना एम्ब्रॉयडरी की वजह से इसकी कुछ कटिंग का इशू आ रहा है, बाकी ये इस तरह का ड्रेस है। और इसका दुपट्टा कुछ बहुत ही अच्छा सा है लेकिन सुकून वाला नहीं है दुपट्टा, लेकिन हैं बहुत प्यारे कलर हैं इसके और कलर बहुत प्यारे हैं। और जब मैंने इसको पहना था तो मुझे इसकी फ़िटिंग का कुछ इशू लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जब मैं पहनूंगी तो इसको एक बार सेट करके फिर पहन लूंगी। और ये इसका बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, इसकी पीको करवानी है इस पर, क्योंकि मशीन चल नहीं रही थी इसके ऊपर तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया। इसके साथ था वाइट ट्राउज़र, ट्राउज़र का कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो एक मैंने ये ड्रेस बना लिया, दो ड्रेस हो गए, एक का ट्राउज़र मुझे लेके आना है। और अभी मेरी कुर्तियाँ हैं, 3 कुर्तियाँ, वो भी मैंने सीनी हैं, वो राजबारी की जो कुर्तियाँ होती हैं वो हैं, बिल्कुल ओरिजिनल हैं राजबारी की ओरिजिनल कुर्तियाँ, वो भी मैंने बाय की थी फॉर बिज़नेस के लिए, लेकिन वो मैंने उसको किया नहीं बिज़नेस को, बिल्कुल भी उसको चलाया ही नहीं, मैंने समझने की बिल्कुल मेहनत नहीं की इसके बाद। तो वो सारे जितने भी कपड़े थे वो सब मैं सी लूँगी, कुछ मनाहिल के सी लूँगी इसीलिए। तो अब बाकी जो कुर्तियाँ हैं वो रखी हुई, 3 कुर्तियाँ मेरी सिल जाएंगी उसमें से, और 3 कुर्तियाँ, और उसके साथ फिर मैं ट्राउज़र्स ले आऊँगी मैचिंग के, तो या वाइट ट्राउज़र भी है उसके साथ वाइट ट्राउज़र ले आऊँगी, या मैचिंग ट्राउज़र जो उसके साथ अच्छा लगेगा, जो जो मुझे मिल जाएगा तो उसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो मेरी जो है गर्मियाँ जो स्टार्ट में होती हैं, जो घर में मुझे सुकून वाले कपड़े पहनने होते हैं, वो मेरा उससे गुजारा हो जाएगा। ये भी लास्ट टाइम मैं लेके आई थी आप लोगों के साथ, मैंने इसको शेयर किया था, आप लोग जाके मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसको भी मैंने किया, ये ट्राउज़र है और इसकी ये शर्ट है, ये भी 4-piece था, ये भी 4-piece ड्रेस था मेरा, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है पहन के, बहुत ब्यूटीफुल है ये ऐसे करके, अच्छा लग रहा है बहुत। और बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे नीचे खाली बॉर्डर है इसके ऐसे। तो ये मेरा सबसे फेवरेट प्रिंट है, ये तो मैं लाई ही अपनी चॉइस से लेके आई थी ये वाला, तो ये लेकिन रखा रह गया था क्योंकि गर्मियाँ जाने वाली थी, तो फिर मैंने इसको स्टिच नहीं किया था, तो अभी इसलिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है ताकि अब ये मेरा यूज़ में आ जाए। क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को तो पता है कि कपड़े एक के बाद दूसरा चाहिए होता है रमज़ान में, और इतने धुलने के कपड़े धोने धुलाने का टाइम नहीं होता है, इबादतों का महीना होता है, बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं, रूटीन अपसेट हो जाती है। सहरी के टाइम उमूमन हम लोग ना कुकिंग करते हैं ना खाना खाते हैं, लेकिन इस वजह से रूटीन बहुत अपसेट हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर शाम में इफ्तारी कर रहे होते हैं, और इस तरह की रूटीन होने की वजह से आपका पूरा अपसेट रहता है पूरा महीना, वरना बहुत ज़्यादा बरकतों वाला महीना होता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम इस तरह की एकदम से चेंज जब रूटीन हो जाती है। लेकिन बाकी जो आपके घर के काम वाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने क्लीनिंग कर ली थी, घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी, और आज जो है वो मुझे उसको दोबारा से मैंने पूरा जो मंथली जो क्लीनिंग होती ना वो मैं कर चुकी हूँ। अब आज जो है आज की क्लीनिंग मेरी अभी हुई नहीं है, ये डस्ट वगैरह आ रही है क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी सुबह से, जिसकी वजह से पूरा हमने घर ओपन किया हुआ था ताकि मेरे घर में थोड़ी सी हवा आ जाए, और उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई है, उसको कम्प्लीट करना है। बाकी पूरा घर जो है वो मेरा सेट है, सिमटा हुआ है, क्योंकि पूरा रमज़ान जो है वो सुकून से इबादत करेंगे, सुकून से रोज़े रखेंगे, सुकून से खाएंगे, पिएंगे, कुकिंग करेंगे, और मैं साथ साथ व्लॉग बनाऊंगी, इसलिए मैंने सारे काम जो है वो कर लिए हैं। मेरी सिलाई का काम थोड़ा सा रहता है, 1 से 2 दिन का काम है, वो भी मैं कर लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी। मनाहिल की एक बहुत अच्छी सी मुझे इंशाल्लाह एक
लॉन्ग गाउन उसका सीना है मैंने फैंसी सा है नेट का, तो वो मैं उसको स्टिच करके 2-3 दिन मुझे इस चीज़ में लगेंगे, उसके बाद से मैं फारिग हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो मेरे बहुत अच्छे इंशाल्लाह रमज़ान गुजरेंगे। तो अब मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। आई डोंट नो मैं इस व्लॉग को कब अपलोड करूँगी, क्योंकि आज मैंने अपनी अभी जो है वो क्या हुआ मना है, यहाँ बैठ जा सुकून से तार देख के। आज का दिन जो है वो बहुत बहुत बिजी है, मैंने रोल भी बनाने हैं इफ्तार के लिए, रोल बना के उसको फ्रीज़ करना है मुझे अभी। मैंने उसके जो चिकन कटलेट्स होते हैं वो मैंने बना के उसको फ्रीज़ करना है। शामी कबाब मैं बना चुकी हूँ और उसमें से आधे हम खा भी चुके हैं, क्योंकि बिज़ी डेज चल रहे थे। तो अभी कुकिंग जो है मैंने कहा अभी शामी कबाब बने हुए, आज वो खा लेते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया हो तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिएगा। मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या हुआ, ये पकड़ो, जाइए इसको रखिए डब्बे पे सिलाई के।